नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यश के फॉरवर्ड टेक एंड मस्ती में। मेरा नाम है विवेक यादव। आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे डिविजिबिलिटी बाई 4। तो डिविजिबिलिटी बाई 5 में होता है उसके कितने भी डिजिट की संख्या है उसके वन प्लेस पे 0 है या तो 5 है, वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अगर उसके अलावा कोई नंबर है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5। चलिए फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं। हम लोग एक नंबर ले लेते हैं जैसे 48 50। तो इसके वन प्लेस पे 0 है तो यह 5 से डिविजिबल है। अब हम 48 50 तो यह 5 से डिविजिबल करेंगे। 5 9 45 रिमाइंडर 5 हो जाएगा। 3 7 35 तो इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग इधर 0 बढ़ा देंगे। तो यह देखिए पूरी पूरी डिजिट 5 से डिविजिबल हो गई। तो यह संख्या 5 से डिविजिबल है। एक और चलिए एक और डिजिट ले लेते हैं। जैसे 20 30 तो इसके भी वन प्लेस पे 0 है तो यह पूरी पूरी संख्या देखते हैं डिवाइड होती है कि नहीं। 20 30 5 5 4 20 तो यह इधर उतर जाएगा। तो जैसे एक एक बार दो डिजिट कट रही है तो इस हम लोग इधर ना एक 0 बढ़ा के इधर हम लोग डिजिट ले लेंगे। 5 5 5 4 20 5 6 30 देखिए ये डिजिट 5 से डिविजिबल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 20 27 55 तो इसके वन प्लेस पे 5 है तो 5 से डिविजिबल है। पूरा पूरा देखते हैं कटता है कि नहीं। एग्जांपल देखते हैं जैसे 36 55 तो इसके वन प्लेस पे 5 है तो यह 5 से डिविजिबल है। अब पूरी पूरी डिजिट 5 से डिवाइड करते देखते होता है कि नहीं। तो 5 5 5 7 35 5 5 3 15 फिर 5 इधर रिमाइंडर 5 1 5। देखिए ये अभी संख्या 5 से डिविजिबल है क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 3 2 6 5 तो डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल बोलता है कि कितनी भी डिजिट की संख्या है उसके वन प्लेस पे 0 या तो 5 रहना चाहिए। अगर वो डिजिट नहीं है तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके वन प्लेस पे 5 है तो यह 5 से डिविजिबल है। चलिए पूरा पूरा डिवाइड करके देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 4 2 6 5
5 8 40 फिर दो टू तो जाएगा 5 6 30 5 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
चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं जैसे 2, 4, 3, 2। तो इसको लास्ट प्लेस पे ना तो 0 है ना तो 5 है, इसका मतलब है 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग इसको पूरा पूरा डिवाइड करके देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 2, 4, 3, 2, 5, 4 is 20, 5, 5 is 40, 2, 5, 6 is 30, 5, 6 is 30 इधर रहेगा। तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 5 काफ़ी अच्छे से सीखें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।